इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, 21 में भी रिपीट हो सकता है, संभावना है। क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे देखो, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाय cot x माइनस tan x, cot को लिखेंगे cos x बाय sin x, क्या लिखेंगे cos x बाय sin x, और माइनस sin tan को लिखेंगे sin x बाय cos x का होल स्क्वायर ऑफ dx। क्लियर? ओके, नाउ इंटीग्रेशन देखो, sec स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाय एलसीएम लेंगे तो इसका सम मल्टीप्लाई होगा, तो cos स्क्वायर x इसका सम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय sin x इनटू cos x का होल स्क्वायर ऑफ dx ओके नाउ गुड। देखो sec स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाय sec स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, दैट इज cos स्क्वायर cos 2x, ये जब का cos 2x, ठीक क्लियर ओके, इसका स्क्वायर डिवाइड बाय sin स्क्वायर x इनटू cos स्क्वायर x, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा तो sin स्क्वायर x इनटू cos स्क्वायर x, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहां पे आपका बचेगा देखो इंटीग्रेशन sec स्क्वायर 2x, और ये जगह आपका सिंपली sin स्क्वायर x इनटू cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय क्या होगा, यहां पे हो जाएगा आपका सिंपली cos 2x, तो cos स्क्वायर 2x ऑफ dx है ना। तो देखो ये जो sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x है ना, इसको हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं, यहां पे थोड़ा सा इसको चेंजेस करते हैं, चेंजेस क्या करते हैं 2 बाय 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं sin x into cos x का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका होल स्क्वायर है ना, जब इसका होल स्क्वायर है तो होल के स्क्वायर में लिख लेते हैं और इसमें 2 बाय 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 बाय 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो 1 बाय 4 तो बाहर आ जाएगा क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा तो 1 बाय 4 आ जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन बेटा ये जो sec स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर 2x इनटू देखो 2 sin x into cos x sin 2x का फॉर्मूला बन जाएगा, तो ये 2 स्क्वायर sin स्क्वायर 2x ऑफ dx, इसको इसके डिवाइड में ले लेना, तो cos स्क्वायर 2x लिख सकते हैं, sin by cos आपका tan हो जाएगा, ये tan स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 by 4 इंटीग्रेशन sec स्क्वायर 2x into tan स्क्वायर 2x tan स्क्वायर 2x, इज इट क्लियर, सिंपल फॉर्मूला बन गया, सिंपल हो गया क्वेश्चन, पुटिंग कर लो यहां पे, क्या पुटिंग करोगे sec 2x बराबर t रख दो, sec 2x बराबर t, देखो sec x का डिफरेंशिएशन क्या था, sec x tan x, sec 2x into tan 2x, sec x का डिफरेंशिएशन क्या था sec x tan x, sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x, ओके sec x tan x हो जाएगा, into 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 dx बराबर dt, dx बराबर dt, ओके, बट यहां पे tan स्क्वायर x है, tan स्क्वायर x है, tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर, तो जस्ट यहां पे हम tan को सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहां पे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, पुटिंग करते हैं tan 2x बराबर t, तो tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर 2x into 2 dx बराबर dt, तो जस्ट इस 2 को इसके डिवाइड में इसलिए तो यहां से ये 2 इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो sec स्क्वायर 2x dx बराबर dt by 2 हो जाएगा, तो ये 1 by 4 इंटीग्रेशन, तो ये t स्क्वायर into dt by 2, 2, 4 जा 8, तो 1 by 8, और ये t की पावर 3 by 3 plus c, तो 8, 3 जा 24, तो 1 by 24, and t 10 है, तो ये 10 cube 2x plus का c, ये हमारा आंसर हो जाएगा, तो 1 upon 24, 10 cube 2x plus c, ये आंसर हो जाएगा हमारा, तो बहुत ही इजी और बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको नोट करें।